कश्मीर में आतंक पर अमित शाह का बड़ा एक्शन मुस्लिम लीग जे एंड के पर लगाया बैन मुंछ में मृतकों के परिवार से मिले राजनाथ सिंह कहा न्याय जरूर मिलेगा राहुल गांधी करेंगे भारत न्याय यात्रा मणिपुर से 14 जनवरी से होगी शुरुआत 6200 किलोमीटर का होगा पूरा सफर देश में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ सामने आया कोरोना के 109 मरीज सबसे ज्यादा गुजरात में 36 केस मिले यूपी में अभी जारी रहेगा कोहरे का सितम 25 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ शिखा शुरुआत करते हैं आज की 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 बड़ी खबरों केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने ने बुधवार को को घोषणा कि सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को कड़े यूएपीए कानून के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है एक्स पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यू के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया जाता है शाह ने कहा यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित इस करने के लिए उकसाते हैं मंत्री ने घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं इस दौरान रक्षा मंत्री ने सेना की हिरासत में मारे गए तीन नागरिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की इसके साथ ही उन्होंने घायल नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली बाईस दिसंबर को रहस्यमयी परिस्थितियों में तीन नागरिक मृत पाए गए थे ये घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों द्वारा किए गए घातक हमले के एक दिन बाद हुई थी इस आतंकी हमले में चार जवान शहीद हो गए थे सेना ने नागरिकों की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है थल सेना ने भी क्षेत्र में जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए का दौरा किया और हमले के एक सुरक्षा बल्कि देशवासियों का दिल भी जीतना है उन्होंने कहा कि आपको और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सेना को सिर्फ देश को दुश्मनों से बचाना नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतना भी उनकी जिम्मेदारी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी नए साल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे कांग्रेस की 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा में मणिपुर से मुंबई तक 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय होगी राहुल गांधी यात्रा टू पॉइंट में अधिक दूरी कम समय में तय करेंगे 6200 किलोमीटर की यात्रा कई ऐसे राज्यों से होकर गुजरेगी जहाँ लोकसभा की अधिक सीटें हैं जो राज्यों में भारत न्याय यात्रा गुजरेगी वहां से लोकसभा की 355 सौ पचपन सीटें आती है लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा का कांग्रेस के नजरिए से काफी महत्व होगा हालांकि इस भारत यात्रा नजरिएगा विपक्षी दलों के गठबंधन आई एन डी आई ए में सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द हो जाएगा राहुल गांधी इस बार जिन राज्यों से होकर गुजरेंगे उसमें से अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर है इसमें बंगाल बिहार महाराष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल हैं देश में कोविड के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के पांच नए मामले दर्ज किए गए हैं अब देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 से ज्यादा हो गई है और आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में कोरोना के तीन मरीजों की मौत हुई है इसमें दो मरीज कर्नाटक और एक मरीज गुजरात से है इस बीच कोविड 19 के सब वेरिएंट जे एन डॉट वन के 40 नए केस दर्ज किए के गए हैं बता दें कि 26 दिसंबर तक देश भर में नए वेरिएंट केसों की संख्या बढ़कर 109 हो गई थी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि गुजरात में 36 कर्नाटक में 34 और गोवा में 14 महाराष्ट्र में 9 केरल में 6 राजस्थान और तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में नए वेरिएंट के दो केस सामने आए सब वेरिएंट के ज्यादातर मरीज फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक घने कोहरे को, को लेकर अलर्ट जारी किया गया है जिसके चलते अब ठंड में बढ़ोतरी होगी मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि 29 दिसंबर तक घने कोहरे को, को लेकर अलर्ट जारी किया गया है इस दौरान विजिबिलिटी कम हो जाएगी और कोहरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो ऐसे में जो जनमानस वाहनों का प्रयोग करे वो बहुत ही सतर्कता और सावधानी से उसे चलाए ताकि दुर्घटना से बच सके यूपी मौसम विभाग के प्रभारी ने बताया कि एक जनवरी को उत्तर प्रदेश के सदन भाग में हल्की बारिश होने के आसार है हालांकि पूर्वांचल और पश्चिमांचल में बारिश नहीं होगी लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के नाते बादलों की आवाजाही बनी रहेगी मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 25 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर